हंटरगंज में मोमिन कॉन्फ्रेंस की बैठक हाजी सिराजुद्दीन अंसारी की अध्यक्षता आयोजित की गई। अल्पसंख्यकों को हर संभव सांसद मदद करने को तैयार है। देश की आज़ादी से लेकर देश के उत्थान में मोमिनों की महती भूमिका रही है। हंटरगंज प्रखंड के डाक बंगला परिसर स्थित भवन में मोमिन कॉन्फ्रेंस की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हाजी सिराजुद्दीन अंसारी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सांसद प्रतिनिधि में मोहम्मद बिलाल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हाजी हाशिम अंसारी, मोहम्मद अनवर अंसारी, मोहम्मद अमानुल्लाह अंसारी, मोहम्मद हैदर अली, मोहम्मद इदरीस अंसारी उपस्थित थे। मौलाना जुलकरनैन अहमद ने बैठक के संचालन से पूर्व कुरान पाक की तिलावत से बैठक की शुरुआत की। प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आए मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रबुद्ध लोगों ने अपने संबोधन में कहा कि देश की आज़ादी से लेकर देश की उन्नति में मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने महती भूमिका निभाई है। मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेताओं का देश एवं राज्य की सरकार बनाने में योगदान रहा है। बनारस की साड़ी, फिरोजाबाद का ताला, फैजाबाद की चूड़ी, बुनकरों के द्वारा निर्मित खादी वस्त्र के अतिरिक्त इनके शिल्पकारी के हुनर ने देश के उत्थान में काफ़ी योगदान रहा है। देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद भी आज समाज में हाशिए पर है। मोमिन कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने और सत्ता को सरकारों को बाहर करने की हैसियत रखती थी, परंतु आज यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शैक्षणिक हैसियत से काफ़ी पिछड़ गया है। जितनी भी सरकारें आई, सभी ने सिर्फ आश्वासन और दिलासा दिया, अपना कार्यकाल पूरा करती रही है। अल्पसंख्यकों के उत्थान से किसी को सरोकार नहीं रहा। आगे कहा गया कि वोट के समय राजनीति करने वाले लोग भाजपा का खौफ देख कर वोट हासिल कर इसको उसी हाल में छोड़ देते हैं। चतरा के राजद विधायक सह मंत्री को अल्पसंख्यकों ने बड़े पैमाने पर वोट देकर जीता तो, लेकिन मिला क्या? आज वही लोग उनके आगे पीछे हैं जो पहले थे। अल्पसंख्यकों से वह मिलना तक नहीं चाहते, काम तो दूर की बात है। मंत्री के अब तक के कार्यकाल में चंद लोगों को छोड़कर एक भी काम अल्पसंख्यक का हित का नहीं हुआ है। किसी भी अल्पसंख्यक के दुख सुख में शामिल नहीं हुए। उनके फंड के दर्जनों काम का रिकॉर्ड दौड़ रहा है, लेकिन उसमें किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है। सैकड़ों अम्बेडकर आवास, गाय शेड आए, लेकिन हिस्सेदारी सिफर रहा। कब्रिस्तान का फाइल महीनों से जिला कल्याण में पड़ा है। मंत्री के कहे जाने के बावजूद अब तक कल्याण मंत्रालय को नहीं भेजा गया है। काम था, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो कब्रिस्तान का मामला हो, मदरसे का मामला हो, स्कूल का मामला हो, यदि कोई भी मामला हो उसको सुलझाने के लिए और उसको तकमील तक पहुँचाने के लिए हम तक को भेजा है। गुजारिश करेंगे कि कभी मौका मिले आप भी तशरीफ लाए, हम सब आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। जो हमारे क्षेत्र के MP हैं, उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना करके हमारे प्रखंड हंटरगंज में मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर के तहत जिससे बिलाल साहब के भेजा गया है, मैं उनका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ और यहाँ के प्रखंड के तमाम मुसलमान शुक्रगुजार हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने जिस तरह के हमारे विकास के बारे में आश्वासन दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक इनसे संभव होगा और इसके बाद हमारे डॉक्टर MP सुनील साहब के द्वारे भी इन्होंने वादा किया कि उनके माध्यम से भी हमारा काम पूरा करवाया जाएगा। चतरा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के द्वारा मुझे यहाँ भेजा गया। हंटरगंज प्रखंड में, हंटरगंज ब्लॉक में मोमिन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया। यहाँ पे मुसलमानों का बहुत सा मामलात है, जिसको हम लोगों ने सुझाव के तौर पे माननीय सांसद के को बोल करके यहाँ पे जो मुसलमानों को बचा हुआ काम जो आज तक हुआ नहीं है उसको कार्यान्वयन का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए यहाँ के मुस्लिम अल्पसंख्यक नेता के बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस सभा में बुलाने का प्रयास किया। और मैं माननीय सांसद का भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे प्रतिनिधि बना करके आज इस मोमिन कॉन्फ्रेंस में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या क्या काम हो सकता है इसमें? जो है सो कब्रिस्तान का कुछ मामलात है जो आज तक पेंडिंग है, अभी लोगों के द्वारा पता चला है, वो काम हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। अभी नया कुछ कब्रिस्तान का मामला है, कुछ मदरसा का बाउंड्री का है, कुछ ईदगाह का कुछ मामलात है, ये सब हम लोग
अपने से प्रयास करेंगे, अगर जहाँ पे हम लोगों का दिक्कत होगा वहाँ हमारे सांसद हमारे साथ हमारे मुसलमान भाइयों के लिए खड़ा रहेंगे।